अरे गाओ तो सही, भजन गा रहे थे ना आप, फिर से गाओ। ओम जय ओम जय ओम जय गा रहे थे ना, हंस कितनी देर से कंटिन्यू गा रहा था, मैं देखी ना तो मैं सही रिकॉर्ड करूँ तो चुप हो गया। गाओ ना बाबू, गाओ ना, गा के बताओ, गा के बताओ, गा के बताओ। ओम काना ऐसे करके पूजा करता है। ओम बोलो, हेलो करो, हेलो करो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो बहुत ही अच्छे हो गए। सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। हाय। और काना मेरा भजन कर रहा था, दीदी वहाँ पे होमवर्क कर रही है। और देखो, करो हेलो, करो हेलो, हेलो हाय। सो मेरा बच्चे ना बहुत पुजारी है। ओम शंकर जी मंदिर के अलावा हर रूम में मिल जाते हैं। शंकर जी को निकाल के इधर शिवलिंग रखते हैं, उधर शिवलिंग रखते, दिन भर पूजा करते हैं। सो अभी मम्मी भी इधर लेते हैं, उधर मम्मी, मम्मी हेलो, मम्मी हाय करो, हाय बाय। सो हमारे यहाँ भी थोड़ा सा ठंडी वाला मौसम है तो हम सब ब्लैंकेट में घुसे हैं। अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और अभी चले कुछ काम करने। शाम को हम लोग को जाना है पार्टी में आज, तो आज तो बड़ा खुशी वाला माहौल क्योंकि पार्टी जल्दी मिलती नहीं कहीं पे ना मम्मी। जल्दी पार्टी मिलती नहीं है, कभी कभार मिलती है ना तो अलग एक्साइटमेंट होता है। हम लोग मतलब पार्टी में जाने की सबसे ज़्यादा खुशी होती है, सब मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं तो इन्जॉय करते हैं, तो बहुत मज़ा आती है। अभी तो हम, अभी बाबू ट्यूशन जाएगी, आज ट्यूशन कस्तू जल्दी जाएगी, 4 बजे जाएगी क्योंकि हम लोग 7 बजे तक निकलेंगे तो आ जाएगी। यहाँ पे भजन चालू है काना का कंटिन्यू। अभी चल रहे कुछ काम कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, जो बहुत दिन से ज़रूरी है। दिखाते हैं आप लोग को क्या करना है। हाँ तो चलना, मम्मी के बहुत 4-5 ब्लाउज सिलने हैं तो चलती ब्लाउज काट के रख देती हूँ, भी टाइम है। अरे मैं कर दूंगी, अब चलो काट लूँ बस। तो सबसे ज़्यादा ना काना को भी देखना कैसा भागेगा साड़ी ले लेके, तो इसके सोचिए सो जाए तब मैं काटूंगी, लेकिन ये इसकी सोने की कुछ गुंजाइश नहीं दिख रही है। भजन गा रहे लगा, ओम जय ओम जय ओम जय। गा के बताओ बाबू, कैसे पापा किसे सिखाए, पापा किसे सिखाए। ओम ऐसे करके करते हैं पूजा। सो गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला, आप लोग को भी लेके चलूँगी पार्टी में। चलो चलते हैं, मम्मी की निकालते हैं साड़ी, उसके बाद काटते हैं ब्लाउज, उसके बाद रेडी होंगे फिर चलेंगे पार्टी में। बाय बाय करो, बाय करो सबको। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। सो गाइस ये लेके आ गई मम्मी साड़ी, ये देखो तीनों साड़ी, एक लाल, एक हरी, एक रामा कलर, ये तीनों साड़ी, एक ग्रीन कलर। इसमें ब्लाउज में पहले ही निकाल लिया, क्या हुआ? तो ब्लाउज तो सिल दूँ ना, तो ब्लाउज में निकाल लेती हूँ ना, लाओ निकाल के रख दूँ, फिर अस्तर ला लेंगे, तब तक इसको सिल देती हूँ। लाओ फटाफट से सब में का निकाल लेते हैं ब्लाउज। ये रही मम्मी की साड़ियाँ, मम्मी के इधर लाने कैंची, कैंची डाले फिर इसको काटती हूँ, उसके बाद में दिखाती हूँ आप लोग को। मेरे को लड़कियों को कितना परेशान करता है, जिसके अंदर बड़े बच्चे, छोटा बच्चा होता है ना, बड़े बच्चों को ज़्यादा ही परेशान करते हैं ना। सो गाइज यहाँ पे ना मम्मी के बहुत सारे ब्लाउज इकट्ठे हो गए थे और ना मैं बहुत ही पता नहीं क्यों ऐसा एकदम आलसी सी होती जा रही हूँ कि बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं करती है कुछ करने की, सिलाई विलाई करने की। और जब सिलने का मन होता है तो कंटिन्यू आप रोज़ सिलते रहो तो ठीक है, एक दो दिन का गैप हो तो इच्छा ही नहीं होती सिलने की। सो बहुत सारे मम्मी के ब्लाउज इकट्ठे हो गए तो मैंने बोला चलो आज का टाइम है और निकाल देती हूँ। ये साड़ी मम्मी की ऑनलाइन थी जो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल लाइट वेट है, एकदम डेली यूज़ के लिए बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पर 4-5 थे ब्लाउज़ पर कुछ में के अस्तर नहीं थे, जिसने में के अस्तर वाले कपड़े थे ना मैंने उनको ही कट किया है। शाम को जाना है पार्टी में तो अभी लगभग 4 बजे थे, सोचा कि सब काट लेती फिर कस्सू का जल्दी ट्यूशन में भेज दूँगी क्योंकि नहीं तो उसका भी ट्यूशन का गैप हो जाएगा। तो पार्टी से आने के बाद, फिर पार्टी से आने के बाद तो कुछ टाइम ही नहीं बचेगा कुछ करने के लिए, इसलिए मैं फटाफट से काट पीट लेती हूँ और उसके बाद जो होगा वो देखते हैं और क्या कुछ करना है। मम्मी के 4-5 साड़ियाँ थी तो बस, और मम्मी को कहीं जाना भी है तो मैं बताऊँगी आप लोग को दूसरे वीडियो में। तो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं मम्मी कहाँ जाना है, और हमारा एक और फेस्टिवल आने वाला है तो इसके लिए सोच रही हूँ एक करके रेडी कर दूँ चीज़ें, नहीं तो फिर बाद में एकदम से भागम भागी हो जाएंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। काना को मैंने एक साड़ी दे दी थी, उसमें वो चुपचाप खेल रहा था तो मेरा ये सारे काम पॉसिबल हो गए। तो गाइस ये कट गए मम्मी के ब्लाउज, 1, 2 और 3, ये रहे तीनों अस्तर। यहाँ मम्मी सब पैक करके रख देगी, हाँ सिल देती हूँ मैं, तीनों काट लेती हूँ फिर टाइम लेकर सिल दूँगी।
सो गाइस मम्मी के ब्लाउज स्टार्ट के रख दिया, अभी जा रहे छत पे। हाँ मम्मी डंडा वाला ले लो यार, मम्मी भी गई थी छत पे, बंदर थे तो मम्मी भाग गए। अभी देखते हैं, चले छत पे कपड़े पे उतार ले सूख के। कहाँ है? नहीं है, नहीं आ जाओ, नहीं ना हाँ अभी नहीं है। सो गाइस यहाँ पर उठाएंगे गेहूँ और बटोरेंगे इतने सारे कपड़े, फिर उसके बाद सब रखेंगे और फिर रेडी होंगे पार्टी में। कहाँ पे थे? भाग गए होंगे, कहीं से आए होंगे ना? हाँ तो इस बूढ़ी कहीं से आए होंगे दौड़ते हुए इसके लिए। दो दिन कितनी रौनक थी छत पे ना, सब छत पे छत पे छत पे। आज हो गया एकदम सन्नाटा। दो दिन हमारे यहाँ दो दिन उत्तरायण मनाई जाती है गुजरात में, दो दिन छत पे सब लोग। चलो फटाफट उठा लेते हैं गेहूँ। नहीं गांव में कल थी, 15 तारीख को थी खिचड़ी। यहाँ बटोर लेते हैं गेहूँ, 14 को होती है। चलते हैं फिर नीचे। यहाँ पे लेके चल दिए धोबी घाट नीचे, अपने रोज कपड़े धुलवाने पड़े मम्मी, तो कितने के धुले जाए, कितना सारा धोबी घाट। सो गाइज अभी शाम के बज चुके हैं 7:30। अभी सब लोग हो रहे हैं पार्टी के लिए रेडी। कसू के लिए मैंने फ्रॉक निकाल दिया, मैं क्या करूँ हमेशा की तरह। पति ने दिया दो चॉइस, इसमें ब्लाउज नहीं है। किसमें? ये वाली। तो कभी ब्लाउज नहीं देता है। रेड वाली है। ये वाली सिलाई नहीं मैंने, तो उसको सिलो ना। तो ये वाली पहनूं? ये वाली रुको। चलो ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं आप लोग से रेडी होके। काना कितना एक्साइटेड है, रेडी होके मिलते हैं। सो गाइस हो चुके हैं हम सब रेडी, हम निकल रहे हैं पार्टी के लिए। आज मैंने और काना ने की है ट्विनिंग पिंग पिंग। सो मम्मी और कस्सू गए अभी, और मैं और काना अभी जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। काना के चाचू आ जाए तो नहीं नहीं जा रहे, झूठ बोलोगे, झूठू झूठू बोलोगे, झूठू ना, बाय। चलो मिलते हैं आप लोग से पार्टी में। सो गाइज हम पहुंच चुके थे पार्टी में, और आप लोग देख रहे हो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि शायद हम लेट हो गए थे, क्योंकि हम पहुंचे थे 9 बजे। रेडी तो हम पहले हो गए थे, लेकिन टाइम नहीं हो गया ज़्यादा, क्योंकि भैया लेट आया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो आप लोग देखोगे आधे से ज़्यादा लोगों ने ना शॉल ना स्वेटर कुछ नहीं लिया था, भगवान जाने उनको ठंड नहीं लग रही थी। और पार्टी में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है पता है? मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, जान पहचान के, पुराने नए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कसू मम्मी पापा पहले आ गए थे, थोड़ा उन लोगों ने टाइम मतलब उन लोगों को मिल गया था एंजॉय करने का, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। सो सबसे मिले, बातें करे, और यहाँ पे हम लोग खाना वाना मतलब खाना पीना खा के थोड़ी सी बातें करे थे। तो कोई और नहीं होता ना वीडियो रिकॉर्ड करने वाला, वो तो बाबू की मेहरबानी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देती कि खाना खाते सबसे मिलते जुलते, तो वो सारी चीज़ें मिस हो जाती है। थोड़ी सी भी पार्टी की वीडियो है जो कि मैंने बाबू से बोला रिकॉर्ड कर दे आप लोग के लिए। तो ये रहा हमारा छोटा सा छोटी सी पार्टी जो रिसेप्शन पार्टी थी, और बहुत ही मज़ा आया। और हम तो इंतजार ही करते रहते थे, छोटी मोटी पार्टियाँ होती रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी के पास मिलने का टाइम नहीं होता, बट इस टाइम पे ऐसा होता ना, सब लोग साथ में मिल जाते। चलो मिलती हूँ आप लोग को मैं सीधा घर पे। सो गाइस हम सब आ चुके हैं पार्टी से घर, और कसुन यहाँ पे चेंज भी कर लिया, बस मैं भी चेंज करने जा रही हूँ। कान्हा ने यहाँ पर चेंज कर लिया, क्योंकि कान्हा ने गिरा लिया था बहुत सारा पानी। और अभी यहाँ बज रहे हैं 10:30, तो चलते चेंज करते हैं और सोते हैं। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे कल छोटे से प्यारे से ब्लॉग के साथ।